प्यारे दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में एक सबक आमोज किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। किस्सा है एक सौदागर की सबसे छोटी बेटी का। छोटी बेटी अपने बाप का घर क्यों छोड़कर चली गई और किस तरह उसकी एक बादशाह से शादी हो गई, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक दफा का जिक्र है कि एक सौदागर था जिसकी तीन बेटियां थीं। इसकी तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन छोटी वाली सबसे प्यारी थी। उस सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बेअंतहा प्यार था। वो बस डरता था कि कहीं उसे कोई छोड़कर ना चली जाए। इसलिए एक दिन सौदागर ने फैसला किया कि वो अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है। वो यही सोचते हुए अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप ये सुनकर बेहद खुश हुआ और अपनी बेटी को एक कीमती सोने का हार तोहफे में दिया। फिर वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया और उससे भी यही पूछा कि बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? दूसरी बेटी ने जवाब दिया, बाबा मैं आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती हूँ। बाप बेटी की बात सुनकर खुश हुआ और उसे बहुत सी सोने की अशर्फियां दी। अब सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि नमक के बराबर। बेटी का जवाब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया। सौदागर मन ही मन सोचने लगा कि नमक तो इंतहाई सस्ती और मामूली चीज है, ये मुझे इतना प्यार करती है। और फिर सौदागर ने उसे बहुत डांटा और गुस्से में ये भी कह दिया कि मुझे पता है कि तुम एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए बेहतर है कि अभी से इस घर से चली जाओ। बाप की बात बेटी के दिल पर जाकर लगी और वो किसी को भी बताए बगैर घर से रोते हुए निकल गई। वो लड़की एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहां बहुत सी घास उगी हुई थी। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर ही एक और घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि पहचानी न जाए। इसके बाद वो बादशाह के महल के बाहर जाकर रुक गई और बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी कि सुनो, मुझे कुछ काम की जरूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? मुझे सब काम आता है। सिपाही कहने लगे, नहीं बीबी, हम ऐसे किसी को काम पर नहीं रख लेते, जाओ यहां से। लड़की उदास हुई लेकिन फिर से इसरार करने लगी, देखो मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे लायक कोई तो काम होगा महल में। इससे पहले कि सिपाही इनकार करता, एक बावर्ची उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने शायद लड़की की बात सुन ली थी। उसे लड़की पर बहुत तरस आया, इसलिए उसने लड़की को अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम समझाए और उसे उसके सोने की जगह भी दिखा दी जहां और भी औरतें थीं। किसी को उस लड़की का नाम तो नहीं मालूम था, तो उसका घास वाला लिबास देखकर सबने उसका नाम घसियारी रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मची कि बादशाह एक बहुत बड़ी तकरीब का काम कर रहे हैं, उसमें हर कोई शरीक हो सकता है। तमाम मुलाजिम औरतें अपने आप को संवारने में लग गईं। जब तकरीब का दिन आया तो घसियारी ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर सब उसे आराम का कहकर चले गए। कुछ ही देर के बाद घसियारी उठी, अपना घास वाला लिबास उतारा और एक खूबसूरत सी पोशाक पहन ली जो वो अपने साथ लाई थी, और फिर उस तकरीब में चली गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहां तमाम हसीन की नजरें उस पर उठ रही थीं। हर कोई ताज्जुब में था कि इतनी हसीन लड़की कौन है। वहां बादशाह का बेटा भी मौजूद था। उसने जब इस हसीन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया, और फिर शहजादे ने पूरी तकरीब घसियारी के साथ बातों में गुजार दी। शहजादे ने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। फिर घसियारी किसी की भी नजरों में आए बगैर वापस महल में आ गई। अगले दिन औरतों ने कहा कि तुम्हें वहां होना चाहिए था, कल बादशाह का बेटा एक हसीना पर फिदा हो गया और सारा वक्त उसी के साथ रहा। घसियानी बजाहिर उदास सी हुई और कहने लगी, काश मैं भी जा सकती। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने फिर से एक तकरीब रखी। इस बार घसियारी ने यही बहाना लगाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो नहीं जा सकती। लेकिन सबके जाने के बाद उसने फिर से एक उम्दा लिबास पहना और तकरीब में चली गई। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और एक कीमती अंगूठी उसे तोहफे में दे दी। फिर तकरीब खत्म होने से पहले ही वह वापस महल में आ गई।
दूसरी तरफ बादशाह का बेटा सौदागर की छोटी सी बेटी पर फिदा होकर रह गया था। उसने फैसला किया था कि वो अपने बाप से इस लड़की का जिक्र जरूर करेगा। अब अगली तकरीब शहजादे ने खुद जानबूझकर रखवाई ताकि वो इस लड़की से मिल सके, लेकिन इस बार घसियारी ना आई। शहजादा उदास हुआ। बादशाह को घसियारी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वो परेशान हो रहा था कि उसका पता कैसे और किससे करें। एक दिन शहजादे ने महल के मुलाजिमों से साबूदाना बनाने की फरमाइश की। घसियारी को जब यह पता चला तो उसने खुद साबूदाना बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। उसे इजाजत दे दी गई। घसियारी ने साबूदाना बनाने के बाद वही कीमती अंगूठी जो शहजादे ने उसे दी थी साबूदाने में डाल दी। अब शहजादा तख्त पर बैठा साबूदाना खा रहा था। जब खाना खा चुका तो देखा कि प्याले में अंगूठी पड़ी है। वो अंगूठी पहचान गया और जल्दी से अपने मुलाजिम को बुलवाया। मुलाजिम ने बताया कि ये साबूदाना घसियारी नामी मुलाजिम ने बनाया है। फिर घसियारी को बुलवाया गया। शहजादा घसियारी को पहचान न सका, लेकिन जब घसियारी ने बोलना शुरू किया तो शहजादे को उसकी आवाज सुनकर यकीन हो गया कि ये वही लड़की है जो उसे तकरीब में मिली थी और जिस पर वो दिल हार बैठा है। फिर घसियारी ने अपना सारा किस्सा शहजादे को बताया कि वो इस महल में किस तरह पहुंच गई। शहजादे ने घसियारी का हाल बादशाह को बताया और इन दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद एक बहुत बड़ी तकरीब रखी गई। उस तकरीब में सिर्फ शहर के बड़े बड़े सौदागर और ओहदेदारों को बुलवाया गया था। घसियारी के बाबा भी उस तकरीब में मौजूद थे। खाने का वक्त हुआ तो दस्तरख्वान हर तरह के लजीज खानों से भर दी गई, लेकिन जब सब ने खाना शुरू किया तो पता चला कि खाने में नमक ही नहीं है। घसियारी के बाबा ने बादशाह को मुखातिब करके कहा, इसमें तो नमक ही नहीं है। बादशाह हल्का सा हंसा और कहने लगा, क्या हो गया सौदागर साहब, सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ तो है ना इसमें। यह सुनकर सौदागर की आंखों से आंसू जारी हो गए। बादशाह ने उसे ताज्जुब से देखा और पूछा कि जनाब आप रोने क्यों लग गए। सौदागर ने कहा, आज मैं अपनी बेटी की बात समझ गया हूं, खाने में नमक ना हो तो चीज बादशाह का हो जाती है, चाहे उस खाने में और कितने ही कीमती मसाला पड़े हों, लेकिन नमक के बगैर खाना कुछ भी नहीं। फिर सौदागर ने अपना किस्सा बादशाह को सुनाया और कहा कि मेरी बेटी मुझसे नाराज होकर चली गई है, मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली, मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान रहता हूं। सौदागर ने बादशाह को अपनी बेटी का हुलिया बताया तो बादशाह ने घसियारी को बुलवाया और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बाप की खुशी का ठिकाना ही न था। सौदागर ने बेटी को गले लगाया और उससे माफी मांगता रहा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें।